अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा लारा। वेलकम बैक नाजरीन, नई सुबह नए मेहमान और नई सुबह नए मेहमानों के साथ। ये बताऊँ, आज की सुबह मेरी बहुत मुश्किल रही क्योंकि बहुत गहरी रात हम लोग गए। सुबह थे कराची वालों की, कराची वाले कहते हैं ना शहर है रोशनियों का, तो वो रोशनियाँ इतनी रात में देखते हैं कि सोते ही लेट हैं और सुबह इतनी वो जल्दी, जाहिर सी बात है मॉर्निंग शो के लिए उठना पड़ता है। और जब गेस्ट का पता चलता है कि वो बेचारे वेट कर रहे हैं तो तारा लारा भागती है भाई यूं। और आज जब मैं शो पे आई तो मुझे पता चला हमारे जो गेस्ट हैं वो बड़े शानदार गेस्ट हैं। शानदार ऐसे हैं कि उन्होंने मुझे सिर्फ दो बार फॉर यू पे देखा है और जो है मुझे वो शुक्र है वो मुझे जानते थे, नहीं तो मैं तो कह रही थी बाबा मैं जा रही हूँ होस्टिंग छोड़कर किसी और को बिठा लो। तो ये गेस्ट से हम पूछेंगे कि चलो दो बार तो देखा, मुझे तो बड़ा दुख हुआ ये सुनकर आज, लेकिन ये क्या करते हैं, कहाँ से इनका ताल्लुक है और बहुत टैलेंटेड बच्चा है, वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई आपका नाम क्या है? अली इमरान। ये मैंने आपके साथ प्रैंक किया, आपने मुझे कहा ना कि हमने दो बार फॉर यू पे देखा है तो मैंने भी आपका नाम पूछा। अली इमरान हमारे साथ मौजूद है, वेलकम अली इमरान, हमारे शो पर आए, आपने वक्त निकाला। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अली इमरान पहले तो ये बताएं जिंदगी में क्या चल रहा है? जिंदगी में बस टिकटॉक ही चल रहा है। आप टिकटॉक पे तो बड़ा ऊंची ऊंची आवाज में वीडियोस बनाते हैं, यहाँ गला खराब है या नहीं? बस नाश्ता नहीं किया? नहीं, नाश्ता तो कर आया हूँ। नहीं करके आया तो हमारे आरएनएन वाले खिलाते हैं। नहीं नहीं करके आया हूँ। अच्छा अली, ये बताओ कि टिकटॉक का शौक कैसे हुआ? टिकटॉक का शौक ऐसे हुआ, मैं एक बार टिकटॉक चला रहा था तो अरीशे सुमरो आई थिंक फॉर यू पर आई थी। शुक्र अरीशे आपको जानता है ये। तो उसको मैंने कमेंट किया था कि वन वीडियो मेरे लिए बना दें, वन वीडियो फॉर मी। तो उसने उस वो मेरे लिए वीडियो बनाई थी एक, तो फिर वो उस मेरे कमेंट पे बहुत सारे लाइक्स भी आए थे। तो मैंने कहा यार मैंने मेरे कमेंट पे इतने आए तो मेरी वीडियोस भी कितने आ सकते हैं, तो फिर मैंने तब से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अरीशे आपने बच्चे को हमारी आदत डाल दी एक वीडियो बनाकर। फेवरेट टिकटॉकर कौन है आपकी? अरीशे सुमरो, रबीका। रबीका खान जी, गर्ल्स में वीडियो अरीशा ने बनाई, फेवरेट रबीका। तो फेवरेट टिकटॉकर तो रबीका है ना, वैसे अरीशा ने बनाया। कोई फायदा नहीं हमारी वीडियो बनाने का। अच्छा मुझे ये बताएं कि लाइफ में टिकटॉक कब से स्टार्ट है आप? 1999 के तो नहीं है? नहीं नहीं, आई थिंक 4 इयर्स, 4 साल हो चुके हैं। वही चार, जो 4-5 साल वाले पुराने होते हैं मैं कहती हूं 1900 गड़गड़े के ये। तो 4 साल, अभी मेहनत भी तो इतनी की, 4 साल के बाद आपके 4 लाख फॉलोअर्स, 4 लाख अब फॉलोअर्स हुए हैं। तो ये तो मेरे साथ ज्यादा है, मतलब टिकटॉक वालों ने मुझे एक साल में 4 लाख फॉलोअर दे दिए, बल्कि 10 महीने में 4 लाख 5 लाख फॉलोअर्स आ गए। तो मैंने मेहनत भी इतनी की है, अभी जाके 4 लाख। मैंने मेहनत नहीं की, टिकटॉक वाले मेरे रिश्तेदार। नहीं मतलब मेहनत आपने की है, मैं तो असल में मैं नहीं होना था ना मुझे फेमस, फिर भी मैं हो चुका हूँ। नहीं होना था फेमस, नहीं हो सकता था ना। मैंने फिर भी 3 मरतबा मेरे अकाउंट बैंड हुआ, मैंने 4th मरतबा फिर मैंने कहा बनाना है। अगर ये बैंड हो गया फिर 5वीं मरतबा बनाओगे? हाँ फिर बनाओ। बड़ा डीटो आप तो बस। इधर से दो बार बना के लोग कहते हैं बस यार ये लो टिकटॉक वालों, अली अली आपने हमें बैंड किया, हम हाथ ऊपर करते हैं, लेकिन हिम्मत है। क्या बनाते हो टिकटॉक पे, ऐसा क्या दिखाते हो लोगों को, क्या कंटेंट होता है जो लोग वायरल कर देते हैं? सॉन्ग्स भी बनाता हूं ज्यादातर, एक गर्ल्स के साथ बनाता हूं। लड़कियों के साथ जी? लड़कियां कहां से आती हैं भाई? काफी है फैन, काफी है टिकटॉकर सारे जोर से, जोर वालों का सारे टिकटॉकर ही जोर से ही हैं ज्यादातर। ज्यादातर जोर से? हाँ ज्यादातर सारे। मुझे लगता है आप जोर में जाके देखते हैं कौन कौन जोर में रहता है। नहीं सबको ही जानता हूँ। तो कौन कौन? फॉर एग्जाम्पल आर्यानी एक्स को जानता हूँ, शहीर खान को। अभी आपने मेरी बेइज्जती की है ना कि मैं आपके लिए, अब आपका मैंने कहा था मेरे साथ शो है तो सोच समझ के बोलो। तो वो तो जो मैं सच था मैंने बता दिया, मैंने झूठ तो नहीं कहा। फॉर यू पे आए हैं और शुक्र है दो बार देख लिया। तो देखा मैंने आर्यान खान आपका, आर्यानी एक्स मेरा दोस्त है और शहीर खान है, काफ़ी सारे टिकटॉकर्स हैं, ब्रांड गर्ल है और दानिश है और बहुत सारे। दानिश तैमूर? नहीं नहीं दानिश तैमूर नहीं, दानिश टिकटॉकर है दानिश। मैंने कहा दानिश भाई आप कब से जोर में रहने लग गए? हाँ काफ़ी टिकटॉकर्स हैं जिससे जान पहचान है, माशाल्लाह ऐसी मेहनत करते रहो। और फेवरेट सिंगर कौन है आपका? फेवरेट सिंगर सिंगिंग इतना हूँ
अल्लाह मौसीकी को हर बंदा पसंद करता है क्योंकि गम में हो तो लोग मौसीकी गाने सुनते हैं, खुशी में हो तो लोग गाने सुनते हैं। नहीं नहीं, ज्यादातर अगर गम में हो तो सॉन्ग्स वगैरह तो नुसरत फतेह अली खान के सुनता हूँ। नुसरत फतेह अली, अभी तुम्हारी उम्र क्या है तुम नुसरत फतेह अली खान को तो बस उसकी आवाज अच्छी लगती है, उसके गानों में काली काली जुल्फों के फंदे, ये वाला। हाँ यही वाला था, ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। नहीं ये नहीं, काली काली जुल्फों वाला सुन, तो इसी में आता है, इसी में आता है। हाँ इसी में आता है, वही ना मैंने कहा ना उसकी आवाज़ पसंद है, उसके इतना इंटरेस्ट नहीं उसकी, इतने वो जो बोलता है वो। हम तो जिसको पसंद करें उसकी जड़ तक जाते हैं कि कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। और ये बच्चा कह रहे हमने NFA को सुना है, नुसरत फतेह अली खान को, हम सुनते हैं हम उसको गौर नहीं करते वो क्या बोल रहे हैं। वाह वाह क्या बात है, उसकी आवाज पसंद है। और क्या करते हैं? और बस स्टडी हो चुकी है, मैट्रिक कर ली अभी फर्स्ट ईयर में। बस स्टडी मैट्रिक की कंप्लीट? नहीं मतलब स्कूल लाइफ खत्म हो चुकी है। हम तो इंटर करके अम्मा अब्बा कह रहे हैं बेटा क्या हो गया ये, तो मीडिया में निकल गए हो, आ जाओ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, कुछ पढ़ लो लिख लो। इधर कह रहा मैट्रिक होगी कंप्लीट। बस हमारे लिए तो मैट्रिक ही सही है, बस मैट्रिक कर ली है, मतलब अभी स्कूल लाइफ से खत्म हो चुकी है। हां लड़के मार के बेटा, पढ़ाई बहुत जरूरी है। ये तो है, पढ़ाई के बगैर इंसान ना, आजकल जो चपरासी है झाड़ू मारने वाला उसके पास ही मैट्रिक इंटर है मेरी नजर में। आजकल डिग्री बहुत जरूरी है, मैं ये लोगों को कहूंगी कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट करें, जितना पढ़ सकते हैं बैचलर कर सकते हैं, MBBS BA जो भी है, स्टडी के बगैर इंसान नकार है। आजकल अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे नजर दौड़ाएंगे तो मीडिया फील्ड है, मीडिया की मैं बात नहीं करती, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए नजर दौड़ाएं तो इंटर बेस पे कोई अच्छी जॉब नहीं है। नहीं। आपके पास बैचलर है तो आप कुछ कर सकते हैं, आपके पास डिग्री है तो आप CSS भी कर सकते हैं जी। तो इसीलिए पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है। इंटर करो उसके बाद अप्लाई करो फोर्सेस में, जाओ फोर्स में, ये तो एक अच्छा है। शोहर मेले के हिसाब से मीडिया फ्यूचर मेरे ख्याल में है जी। मीडिया में फ्यूचर है? मीडिया में हाँ है, मां सफदर को देख लें, टिकटॉकर है। अच्छा टिकटॉकर इतना आगे निकल गया माशाल्लाह। टिकटॉक पैसा नहीं दे रहा, पैसा कैसे आएगा? पैसा यूट्यूब पे आता है ज्यादातर, तो यूट्यूब पे बहुत पैसा है, सारे यूट्यूब से ही अमीर हुए। डक्की भाई हो गया, ये मां सफदर हो गया, ये फेस रेड में जितने बंगले हैं सब यूट्यूबर हैं। नहीं नहीं टिकटॉकर्स की बात करूं जो अमीर हुए हैं वो यूट्यूब से ही हुए हैं, टिकटॉक ने कुछ नहीं देखा। एक बात याद रखना, जितने हमारे अच्छे वेल सेटल्ड टिकटॉकर्स हैं जिनकी मिलियंस में फॉलोअरशिप है, यहाँ टिकटॉक पे लाइक उनको करता है जो दिखाते हैं पैसा, तो टिकटॉक से पैसा किसी के पास नहीं आया मेरी नजर में, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी। नहीं आया, और जितने भी हैं वो पैदाइशी नवाब हैं जो टिकटॉक पर हैं, और वो शौक पूरे भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बेचारा कोई साइकिल पे वीडियो बनाएगा ना टिकटॉक पर, तो इतने लाइक उसको नहीं मिलेंगे जो मर्सिडीज वाले को मिलेंगे। तो इसीलिए बहुत डिफरेंस है, अभी आप बच्चे हो, आगे आगे जाके समझोगे, टाइम लगेगा वक्त लगेगा, लेकिन ये है बहुत अच्छी बात है, मेहनत करते रहो, यूट्यूब पे आओ, टिकटॉक पे वर्कआउट करो, बहुत आगे तक जाओगे। मेरी दुआ है कि आपको सिर्फ टिकटॉक पे नहीं पूरी दुनिया में लोग जाने जब आप घर से बाहर निकलो जी। थैंक यू, मुझे पता आपकी ये ड्रीम है, ड्रीम है, तो इंशाल्लाह ये ड्रीम पूरी होगी। क्या मेरे शो पे आके कैसा लगा, मुझसे मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और आपने इतनी अच्छी दुआएं दी, थैंक यू। हाँ बाबा, मेरे घर के बाहर झंडे लगे पड़े हैं, जब तुम्हारी दुआ पूरी हो जाए ना कोई, तो मेरे घर के बाहर तुम भी आके एक झंडा गाड़ देना। चले ठीक है, धन्य इंशाल्लाह। बस ठीक है, मैं भी बंगाली बाबा का काम शुरू कर रही हूँ, तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा गाइस आप उस चीजों में भी। सही है, आप जी, जी, मैं भी मुझे आप फॉलो बैक दे दीजिएगा। जी जी जरूर, मैं आपकी फैन निकली। नहीं नहीं नहीं, बस ठीक है यार, बाकी खुश रहो। कुछ मुझसे पूछना चाहोगे तो मैं इजाजत दूंगा, पूछो। बस यही पूछना था आपसे कि टिकटॉक आपकी आईडी आपको फॉलो करूंगा, क्योंकि वो मैंने वही देखा था। बेइज्जती मुंजी, यो सही है बाबा, मतलब फॉर यू पर देखा था आपको दो तीन मर्तबा, उसके बाद फिर अभी दो से तीन तो होगा क्योंकि इतना बोल दिया है मैंने। तारा BOHAR बोहड़ 25 ठीक है, 25 अक्टूबर मेरा बर्थडे है, बर्थडे, तभी आपने बोला लकी नंबर भी हो जाएगा। अभी गुजरी है 25 परसों, पिछले हफ्ते तो बर्थडे हुई है मेरी, मैंने बड़ी धूमधाम से किया है, और ट्रेंडिंग पे चीजें गई हैं, मेहरबानी सिंधवास्तन का प्यार था, इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया,
और मिलियंस में वीडियोस मेरी बढ़ देखी गई मेरी कवाली नाइट की, और बहुत जो है ज़िंदगी में मुझे खुशी हुई। लीला टीम वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, अक्षय जमाली और जितने भी मेरे दोस्त हैं, भट्टी एक्सपर्ट, और इस टाइम मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा क्योंकि बहुत तादाद में लोग आए थे। हैदराबाद वालों का बहुत शुक्रिया, तकरीबन पूरी हैदराबाद थी मेरी बर्थडे में, मैं खुद परेशान हो गई थी। तो खुश रहें, आबाद रहें सबको, मेरी दुआएं हैं आपको भी। थैंक यू, थैंक यू। अली इमरान। तो एक्टिंग का शौक है आपको? हाँ, एक्टिंग का तो शौक है, कभी मौका मिले तो करूँगा जरूर, इंशाल्लाह मेरी दुआ है। और आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है? फिर बड़े हो के सॉफ्टवेयर हाउस में हूँ तो सॉफ्टवेयर फील्ड में जाऊँगा। सॉफ्टवेयर फील्ड जी भाई, शुक्र है। मैंने कहा ये नहीं बोला बड़े हो के मैं जो बन गया अल्लाह ने बना दिया बन जाऊँगा सॉफ्टवेयर फील्ड में। अभी सॉफ्टवेयर की क्या क्या चीज़ें पता है आपको? मैं प्रेजेंटेशन रेडी करता हूँ, आईटी की जॉब करता हूँ, आईटी के काम में। एडीआईटी माना एडवांस डिप्लोमा इंफॉर्मेशन। हाँ, तो मैं प्रेजेंटेशन रेडी करता हूँ ना सॉफ्टवेयर हाउस में। और एसीआईटी करते हैं? SBIT भी सॉफ्टवेयर में आती है तो वो अलग है, मैं अलग हूँ, मुझे IT का सारा काम नहीं आता, बस मैं किसी के रेफरेंस से लगा हूँ और प्रेजेंटेशन रेडी करता हूँ। IT का ही था। CIT बोथ आर सेम, और ADIT एडवांस डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक। अच्छा, मैं गाइस आपको IT से बात निकली तो मैं आप सबसे शेयर करूँगी, मैंने खुद IT का डिप्लोमा 3 साल का किया है, और ACIT मुझे सब पता है, ADIT मुझे सब पता है, एडिटिंग का काम मुझे पूरा आता है, मैं अपने व्लॉग्स खुद एडिट करती हूँ, लोग समझते हैं कि मेरे पास कोई वर्कर है या कुछ है, मैं अपनी प्रेजेंटेशंस खुद बनाती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने काम खुद करूँ, और मैं कुछ फ्रेंड्स हैं उनकी भी कोशिश करती हूँ, IT बेस पे काफ़ी काम करती हूँ, सॉफ्टवेयर अपडेट करना, सॉफ्टवेयर कौन कौन से बनते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं। मैं मतलब मेरे को ज्यादा नहीं पता, IT पे काम करता हूँ, प्रेजेंटेशन रेडी करता हूँ। जैसे प्रेजेंटेशन कौन से सॉफ्टवेयर पे करते हैं? प्रेजेंट उस पे पावरपॉइंट पे। पावरपॉइंट जी, ये अच्छा है। MS Excel MS Word यूज कर लेते हो? MS Excel जी कर लेता हूँ। ये बहुत अच्छा, गुड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ADIT SCIT सेम है, ये आपकी नॉलेज के लिए और आगे बेहतर। थैंक यू। ACIT में भी आप काम करो, उसमें भी बहुत अच्छे, आपको बहुत जबरदस्त चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, प्रेजेंटेशन के हवाले से, ADIT के हवाले से, ACIT के हवाले से, और भी कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है ना, इंसान जितना सीखे उतना कम है जी। मैं कहती हूँ मरने तक इंसान कंप्यूटर सीख, कुछ ना कुछ निकलता रहता है, एक मोबाइल तो, एक कंप्यूटर, और आजकल तो कंप्यूटर का ही दौर है, और बहुत सारी चीजें बन चुकी हैं, बहुत सारी चीजें, ऐसे ऐसे एप्स हैं जो मुझे अभी तक नहीं पता, मैं भी दिन ब दिन अपने छोटों से भी सीख रही होती हूँ। मेरे पास एक उस दिन बताऊंगी, नौमी बादशाह यार बहुत प्यारा बच्चा है हमारा, वो आया तो उसने मुझे बोला, तारा व्लॉग यूं बैक कैमरे से कभी भी नहीं बनता, फ्रंट से यूं करके बनाया करो। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं लाइव शेयर कर रही हूँ, लोग नहीं शेयर करते, मैं लाइव इसलिए बताती हूँ कि मुझसे वो काफ़ी छोटा है और मैंने उससे ये बात सीखी, मुझे सीखने को मिली कि व्लॉग जो है फ्रंट से बनता है फिर यूं। तो मैंने वो ये जो चीज़ें थी ना, आज भी मैं व्लॉग बना रही थी तो मैंने जो है ना नौमी को याद किया, तो ये अच्छी बात होती है, आप छोटे से कोई चीज़ सीखो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा आपको कुछ सिखाया बड़ा, तो ये अच्छी बात है, मुझे कभी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा तो मैं सीखूंगी। मैंने आपसे बोला ना कि आप व्लॉग्स एडिट करते हैं, कभी मैं थक जाती हूँ तो मैं आपको बोला करूँ। जी जी। तो गाइस अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ। जाते जाते अली इमरान का मैसेज तो ले लें, क्या मैसेज दोगे अपने फैंस को? इस चैनल को सपोर्ट करें, मेरे फैंस जितने भी हैं, और मुझे और ज़्यादा प्यार दें, इतना प्यार दिया मैं आज इधर आया हूँ, और ज़्यादा प्यार दें, मैं इससे भी आगे जाऊँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, और इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइस, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, और इस चैनल का बहुत बहुत थैंक यू जो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच कुरु राणा, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए आर्टिस्ट के साथ, नए मेहमान के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ। मुझे भी दें आप इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।